मंडी जिले के बल्क क्षेत्र के डिडोर सब्जी मंडी में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोशों ने सब्जी मंडी में घुसकर हिमाचल फ्रूट कंपनी के कार्यालय का लॉकर तोड़कर करीब 5,60,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। हिमाचल फ्रूट कंपनी के फल विक्रेता ने जानकारी दी है कि कार्यालय का लॉकर तोड़कर चोरों ने करीब 5,60,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। कंपनी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ है कि रात को करीब 1:30 बजे नकाबपोश ने चोरी की वारदात को बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी नेर चौक में चोरी की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिससे कारोबारियों में दुकानों की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों को लेकर मंडी में प्रेस वार्ता की और कहा कि कोटली नागरिक अस्पताल सिर्फ कागजों में ही अपग्रेड हुआ है, जबकि धरातल पर अस्पताल मन सुविधाओं की कमी है। दीपक शर्मा का कहना है कि यहां के स्टाफ को किसी दूसरी जगह डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है और ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि कोटली क्षेत्र की जनता के साथ सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता विरोध करने से गुरेज नहीं करेगी। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार को कोटली अस्पताल को हर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। दीपक शर्मा ने कहा कि कोटली अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए यहां विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त करने चाहिए, क्योंकि इस अस्पताल में विशेषज्ञ नियुक्त होने से तुंगल क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। सोलन में पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गाय के कानों की टैगिंग करते समय उसका कान ही चीर डाला, जिसकी वजह से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई और विभाग के कर्मचारी खामोश होकर ये सब तमाशा देखते रहे। ये आरोप गांव जामली क्यार के गांववासी ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गायों की टैगिंग जिला में की जा रही है, जिसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी फील्ड में पशुपालन विभाग टैगिंग के लिए भेज रहा है वे प्रशिक्षित होने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। गांववासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पशुपालन विभाग की लापरवाही की वजह से उनकी गाय गंभीर रूप से घायल हुई है। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात ये है कि घायल पशु को मरहम पट्टी करने के लिए फील्ड में कर्मचारियों के पास फर्स्ट एड किट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी गाय की हालत बेहद खराब है। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के उपनिदेशक बीबी गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वे इस घटना की जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब भी कर्मचारी फील्ड में टैगिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट एड किट साथ में ले जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई पशु घायल हो तो उसका उपचार तुरंत किया जा सके, लेकिन वे अपने साथ फर्स्ट एड किट क्यों नहीं लेकर गए इसकी जानकारी हासिल की जाएगी। भारत में नई शिक्षा नीति आने के बाद उसका मिला जुला असर सोलन में देखने को मिला। कुछ शहरवासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ नई शिक्षा नीति की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। शहरवासियों ने इस बारे में अपनी अपनी राय जाहिर की और बताया कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही शिक्षा नीति को बदलकर बेहद अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। इस शिक्षा नीति का आने वाली नई पीढ़ी को बेहद फायदा मिलेगा, तो कुछ ने कहा कि नई शिक्षा नीति को कोरोना संकट के दौरान जानबूझकर लाया गया है, ताकि शिक्षाविद इस पर टिप्पणी कर विरोध दर्ज न करवा पाए।
सोलन शहरवासियों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में होगी। ये निर्णय तर्क संगत नहीं है क्योंकि पांचवी के बाद जब वह अपनी शिक्षा आरंभ करेगा तो उसे अंग्रेजी समझने के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, इसलिए वे चाहते हैं कि अंग्रेजी पहली कक्षा से ही लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति अचानक ही केंद्र सरकार ने जारी कर सभी को हैरान कर दिया है। इसमें कितने शिक्षाविदों की राय ली गई, इसे कैसे तैयार किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जानकारी ये मिल रही है कि इस बारे में पंचायत प्रधानों की भी राय ली गई है, लेकिन प्रधान कितने शिक्षित हैं ये सब जानते हैं, इसलिए शिक्षा नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ कदम सराहनीय भी हैं जिसमें विद्यार्थियों को अपने विषय खुद चुनने का अधिकार मिलेगा, जिसकी वजह से उनका रुचि के अनुसार उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा।